तो दोस्तों मैं आज आपको एक जबरदस्त मशीनरी दिखाने वाला हूं। आगे पीछे आपको दिखाना चाहता हूं, किसी तरह की कोई भी यहां पर वायर नहीं लगी हुई है। आप देख सकते हैं किसी तरह की कोई भी यहां पर बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है, किसी तरह का कोई यहां पर पेट्रोल इंजन नहीं लगाया हुआ है, किसी तरह का कोई डीजल इंजन नहीं लगाया हुआ है। यह जो दोस्तों मशीन आप देखने वाले हैं, यहां पर किसी भी तरह का कोई बैटरी सिस्टम नहीं लगाया हुआ है। दोस्तों इस मशीन से जो प्रोडक्ट निकलने वाला है वो हर जगह कंज्यूम किया जाता है और कई तरह के आप बिजनेस कर सकते हैं सिर्फ इस मशीन से, वो भी बगैर किसी पेट्रोल के, बगैर किसी डीजल के और बगैर किसी बैटरी सिस्टम के। चलिए दिखाते हैं किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वो भी किसी पावर के। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसको, इस प्रोडक्ट को कैसे रेडी किया जाता है। ये देखिए आप, सबसे पहले हम इसमें पानी लेंगे। पानी जो है हमको इसमें लेना है 6 लीटर। ये 1 लीटर का हमने मग लिया हुआ है। ये 6 लीटर हम पानी ले चुके हैं। अब ये 6 लीटर पानी के बाद हमको 6 kg शुगर डालना है। ये शुगर हमने वेट किया हुआ है, पूरा 6 किलो हमने तौला हुआ है। ये 6 किलो शक्कर को आपको इसमें मिक्स कर देना है। इसके बाद हम ये डालेंगे इसका लिक्विड। ये देख सकते हैं आप, ये 2 फॉर्म में रहता है, एक पाउडर फॉर्म और एक लिक्विड फॉर्म में। हम ये बनाने जा रहे हैं ऑरेंज फ्लेवर। ये सबसे पहले हम इसको लिक्विड को, ये पाउच को हमको कटिंग करके इसमें जो लिक्विड है सारा लिक्विड इसमें डाल देना है। लिक्विड डालने के बाद इसमें जो ये दूसरा पाउच इसके साथ जो दिया गया है आपको पाउडर का, ये पाउडर का भी फिर हमको उसमें मिक्स कर देना है। काफ़ी आसान है इसको बनाना और हम आपको सारा सपोर्ट देंगे। कुछ भी आपको दिक्कत होने से आप हमारे टीम में कॉल कर सकते हैं। ये हमने ये डाल दिया, इसमें पाउडर भी मिक्सिंग हो गया, इसमें लिक्विड भी मिक्सिंग हो गया, हमने शक्कर भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। अब इसको हमको मिक्सिंग करना है। इस तरीके का मिक्सिंग मशीन रहेगा। ये देखिए ऑन हो गया, ये इसको मिक्स होने में 5 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट के अंदर ये मिक्सिंग हो जाएगा। ये देख सकते हैं जैसे हम ये मिक्सिंग कर रहे थे, है ना, ये 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लगता है। अब ये पूरी तरह घुल चुका है। ये जो हमारा फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर, ये पूरी तरह मिक्स हो चुका है। तो अब ये जैसे रेडी हो चुका है, अब हम इसको मिक्स करेंगे इस टैंक में। देखिए इसको हमको ये छन्नी से छानते हुए, ये 10 लीटर का हमारा सिरप तैयार हुआ है। तो धीरे धीरे इसको छानते हुए इस टैंक के अंदर फिल करना है। अब ये फिल करने के बाद हमको ये इसका लॉक इस तरीके से रहता है, कैप, ये कैप को हमको इसमें, अब हम इसको फिट करेंगे। अब ये देख सकते हैं ये जो मशीन है इसके अंदर हमको पहले पानी डालेंगे हम। 20 लीटर का टैंक है, इसमें 8 से 10 लीटर हम पानी डालेंगे। इसके बाद हमको वापस फिर इसमें बर्फ आइस डालना है। तो देख सकते हैं हम इसमें वाटर एंड आइस दोनों चीजें डाल दिए। अभी हमको इस ढक्कन को क्लोज कर देना है। इस तरीके से इसमें रबड़ लगा रहता है जो कि प्रॉपर एयर टाइट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जैसे रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर में 3 घड़ियां दी हुई हैं। तो इसमें ये जो सेकंड नंबर की घड़ी है, पहला घड़ी तो ये बताएगा आपको इसमें कितना बचा हुआ है CO2। ये जो घड़ी रहेगी इसका हमको 100 से 120 का प्रेशर में रखना है और ये हमको रखना है 40 kg के प्रेशर, 40 के प्रेशर में। तो बाकी कुछ भी होने से आप कॉल भी कर सकते हैं, टेक्नीशियन द्वारा बताया जाएगा। तो ये प्रॉपर सेट कर दिया गया। तो जैसे कि देखा आप लोगों ने, हमने इसमें सिरप फिल कर दिया, इसमें जो है आपका आइस भी डाल दिया, ये भी सेट कर दिया, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वायर, बिजली का कनेक्शन या किसी प्रकार का बैटरी का कनेक्शन या किसी प्रकार का कोई पेट्रोल डीजल का कोई भी, आप देख सकते हैं आप वीडियो में कि किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी है इसमें एक CO2 गैस हमने, जो कि सोडा बनाने के लिए उस गैस की ज़रूरत पड़ती है, वही कनेक्ट किया है। और अब हम इसमें आपको दिखाते हैं ये जो हमने फ्लेवर बनाया था ऑरेंज, वो ऑरेंज फ्लेवर हम इसमें डिस्पेंस करके दिखाते हैं। बहुत ही छोटी मशीन बनी है ये, 2+1। जैसे कि ये 2 इसमें आप देखेंगे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स निकलेंगे, और इसमें हम प्लेन सोडा भी निकाल सकते हैं, ओनली जो प्लेन सोडा बोलते हैं वो निकाल सकते हैं। फिर हम इसमें चाहें तो जूस भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन बनाया गया है। तो इसमें ये मतलब प्रेशर कैसे आ रहा है इसके अंदर?
ये जो प्रेशर आ रहा है सर, ये CO2 के थ्रू आ रहा है, जो CO2 गैस है, जिस CO2 गैस से हम सोडा बनाते हैं, जिसके बिना मतलब सोडा बनता नहीं है, उसके प्रेशर से ही ये मशीन ऑपरेट हो रही है। जैसे कि आपने देखा, हमने ये मशीन आपको, जो नॉन इलेक्ट्रिक हमारी सोडा मशीन है, उसका हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया कि कैसे इसमें आइस डालना है, क्या डालना है, कैसे इसका फ्लेवर बनाना है। तो जस्ट लाइक इसी तरीके का एक नॉन इलेक्ट्रिक मशीन हमने ये मूवेबल में भी बनाया, ये कार्ट में, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से इसको मूव किया जा सकता है। या हम इस तरीके से इसको चला के कहीं भी हम इसको मूव करके इसमें हम कहीं से भी जाके अपना जो है इसको लगा सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पे। इसको भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें इसमें सारा सेटअप दिया। और इसके लिए भी हम आपको बता दें कि किसी प्रकार का आपको बिजली का ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की बैटरी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो है एकदम ही नॉन इलेक्ट्रिक है और एकदम आपको ये किसी प्रकार का आप कहीं भी जाके इसमें बिजनेस कर सकते हैं, किसी प्रकार की बिजली की इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और आपको जो है ये जो प्रोडक्ट जो रेडी होता है इसमें से, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो फ्लेवर रेडी होता है, ये फ्लेवर को हम जो कंप्लीट रेडी करते हैं, इसकी जो कॉस्ट आती है, इसकी कॉस्ट मैक्स टू मैक्स 3 रुपये से लेके 3.25 रुपये की कॉस्टिंग आती है ईच एंड एवरीथिंग मिला के, जिसमें हमारा पेपर कप का कॉस्ट हो गया, शुगर का कॉस्ट हो गया, RO वाटर का कॉस्ट हो गया, फ्लेवर का कॉस्ट हो गया, CO2 गैस का कॉस्ट हो गया, सारा कॉस्टिंग मिला के ये 3 से 3.25 रुपये मैक्सिमम कॉस्ट आता है, जिसको हम सेल करेंगे 10 रुपये में। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड, इसमें 200% का प्रॉफिट है, 200 गुना मुनाफे वाला बिजनेस है आपका ये। और आप इसको, ये छोटी मशीन जिनके पास अगर फिक्स प्लेस है, वो अपने शॉप में या कोई ऑलरेडी एडजस्टिंग डेली नीड दुकान है उस, या पान ठेला है, उसमें आप इसको रख सकते हैं। और जो हमारे भाई लोग ऐसे मूवेबल, जिस तरीके से लोग आइसक्रीम बेचने निकलते हैं और कई चीज़ें बेचने निकलते हैं, तो उसके लिए हमने ये मशीन बनाया, जिसको आप मूव करके कहीं भी आप जाके आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं। मतलब पब्लिक आपके पास आने की जरूरत नहीं है, आप पब्लिक के पास जा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे आप एक ही दिन में मल्टीपल प्लेस में बिजनेस कर सकते हैं इसमें। अच्छा। जैसे मान लीजिए कहीं सुबेरे स्कूल का टाइमिंग है, कहीं कॉलेज का टाइम है, या कोई ऑफिस टाइम है, जैसे कोर्ट हो गया, तो आप ऑफिस पता है कि 5 बजे जब वो बंद होगा तो क्राउड एक साथ आते हैं, तो आप ऐसे पर डे आप अलग अलग प्लेसेस पे लगा सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे कहीं शादी पार्टी के ऑर्डर्स आते हैं, तो वहां आप इसको मूव करके ले जा सकते हैं। अच्छा, तो सर कॉस्ट कितना होगा इसका मशीन का? सर ये मशीन का, दोनों मशीन का मैं प्राइस बता देता हूँ। जैसे ये मशीन देख रहे हैं आप, सबसे पहले जो हमने दिखाई आपको टेबल टॉप वाली, ये मशीन मिलेगी टोटल आपको 3 फ्लेवर की रहेगी, जिसमें आपको 2 वॉल रहेंगे और 1 आपका प्लेन सोडा रहेगा। ये कंप्लीट मिला के आपको 3 फ्लेवर की कंप्लीट बनेगी जो मशीन। इस तरीके से छोटा एक CO2 सिलेंडर दिया जाएगा, ये CO2 मीटर दिया जाएगा, और इसमें इसके साथ आपको 2000 ग्लासेस का फ्लेवर भी फ्री दिया जाएगा। ये कंप्लीट मशीन का प्राइस आएगा आपको 45,000 की ये मशीन पड़ेगी आपको। और उसके अलावा ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये जो मूवेबल कार्ट है, ये मशीन ये आपको टोटल रहेगी 5 फ्लेवर की, ये आपको प्राइस आने वाली 1,30,000 रुपये की। ये कंप्लीट 1,30,000 में आपको ये मूवेबल कार्ट आपको मिलने वाली है, जो कि इसमें 5 फ्लेवर है। इसको आप कस्टमाइज करा सकते हैं हमसे, 6 फ्लेवर, 7 फ्लेवर, कम ज़्यादा आप करवा सकते हो, हम आपके अकॉर्डिंग इसको बना के दे सकते हैं।